जय हिंद एवरीवन। टुडे अगेन आई एम हेयर बिफोर यू विद अ वेरी इंपॉर्टेंट जीटी टॉपिक विच इज फ्रीक्वेंटली बीइंग आस्क्ड इन एसएसबी एंड द टॉपिक इज यूथ एम्पावरमेंट इज नेसेसरी फॉर एनी कंट्रीज डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड इंडिया फोकस ऑन फॉर यूथ एम्पावरमेंट। सिंस यूथ एम्पावरमेंट हैज बिकम मोर चैलेंजिंग फॉर द नेशन एंड फॉर यूथ ऑल्सो। In spite of being highly qualified, most of the youth are still unemployed. And today's youth remain unemployed because of this reason. Youth empowerment is very important for us. तो dear students, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि SSB में अगर आपको ये topic मिलता है youth empowerment, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको थ्री ऑप्शंस मिलेंगे एंड द थ्री ऑप्शंस वुड बी स्किल डेवलपमेंट, सेकंड वुड बी क्रिएटिंग मोर गवर्नमेंट जॉब्स एंड थर्ड वुड बी स्टार्टअप्स। अगर हम बात करें स्किल डेवलपमेंट की, आपको ये तीन ऑप्शंस मिलने के बाद ये आपको खुद को डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सुइटेबल है यूथ को एम्पावर करने के लिए। अगर आप चूज़ कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट, सबसे पहले हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट को यूथ एम्पावरमेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द सर्वे 80% ऑफ इंडियाज ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड। इंडिया में 80% ग्रेजुएट्स, मतलब जो बैचलर की डिग्री जिनके पास है, वो ऐसे 80% ग्रेजुएट्स हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास बेरोजगारी है। तो यहाँ पर दिस इशू मस्ट बी टेकन सीरियसली और इस इशू को हमारी गवर्नमेंट को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया जाएगा तो हाईएस्ट यूथ पॉपुलेशन विल बी रिमेन अनएम्प्लॉयड और हाईएस्ट यूथ पॉपुलेशन बजाय रिसोर्सेस बनने के वो कंट्री के ऊपर बर्डन बन जाएंगे। इसलिए ऑल द अदर फैक्टर्स आर एक्सटर्नल, बट वंस सम स्किल इज एक्वायर्ड इट विल बी हैंडी थ्रू आउट आवर लाइफ्स। देखिए, बाकी की चीज़ें तो एक्सटर्नल होती हैं, लेकिन अगर यूथ के पास कोई स्किल एक्वायर, कोई भी यूथ अगर किसी स्किल को एक्वायर कर लेते हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं और वो जो उनकी स्किल होगी वो उनके पास बहुत ही हैंडी लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी, हमेशा के लिए हो जाएगी। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आपका रिटायरमेंट हो जाएगा तो आपका टाइम ख़त्म, आपकी अपॉर्चुनिटी ख़त्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर कोई लिमिटेशन, कोई बाउंडेशन आपके पास नहीं होगी इफ़ स्किल इज़ एक्वायर्ड वंस, राइट। तो ये थी बात। एंड नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट बिकम एंड विद अ एम्प्लॉय विद अ पजेस स्किल, वन इज क्रिएटिव, क्यूरियस एंड इंस्पायर्ड एनफ। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ प्राइवेट एम्प्लॉय, ही कैन डू फ्रीलांसिंग। अगर कोई किसी के पास पजेस स्किल है ऑलरेडी, कोई किसी के पास कोई बहुत ज़्यादा क्यूरियस है जॉब के लिए, क्रिएटिविटी भी है उसके पास, इंस्पिरेशन है उसके पास, तो वो अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है कहीं पर, तो वो अपना फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकता है और एक एंटरप्रेन्योर, उद्यमी भी बन सकता है। एज ऑफ नाउ इंडिया नीड्स एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स रैदर देन एम्प्लॉयज। इंडिया को एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स की ज़्यादा ज़रूरत है एम्प्लॉयज से ज़्यादा। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें बनाने चाहिए, क्योंकि मीन्स यूथ मस्ट बी स्किलफुल टू क्रिएट अ जॉब। अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स बनाएंगे तो यूथ को इतना स्किलफुल होना चाहिए कि वो अपना खुद का जॉब क्रिएट करके बाकी और 10 लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सके।
तो ये था स्किल इंडिया इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट फेल्ड एंड नीड्स टू बी बैक ऑन ट्रैक एज सून एज पॉसिबल। पहले हमारे गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया था स्किल इंडिया प्रोग्राम का, बट इट वॉज फेल्ड आ गया। लेकिन अब इस चीज़ को दोबारा से अपने थॉट प्रोसेस में गवर्नमेंट को लाना चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। नाउ सेकेंड ऑप्शन इज क्रिएटिंग मोर गवर्नमेंट जॉब। अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स ओवर 20 लाख सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट आर लाइंग वैकेंट। सर्वे में से हमें ऐसा पता चला है कि 20 लाख सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट अभी भी खाली पड़ी हुई हैं। गवर्नमेंट शुड एड्रेस द ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट बाय फिलिंग दोज वैकेंसीज। और हमारी सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज को फिल करके एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। उन वैकेंसीज को फिल करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट को हम इराडिकेट कर पाएंगे। Having a stable job truly empowers a person. अगर किसी के भी पास एक स्टेबल जॉब होती है तो एक अंदर से मनोबल यानी कि मोटिवेशन आता है, कॉन्फिडेंस आता है और वो इंसान के प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एंड जॉब शुड बी क्रिएटेड एज पर द रिक्वायरमेंट एंड नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरिंग यूथ, बिकॉज देन इट विल हैव टू पे मोर एंड मोर सैलरीज विच विल बी अ बर्डन ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब को अगर क्रिएट करते हैं तो ये यूथ को एम्पावर भी करेगा और यूथ को एम्पावर करने के बाद यहाँ पर यूथ अपने आप में भी कुछ सक्षम हो पाएंगे कि वो अपने लिए और देश के लिए कुछ कर सकें। और अगर यूथ खुद कुछ करने के लिए मोटिवेट होते हैं तो उन ऐसा करने से अगर वो अपना लाइक स्किल डेवलपमेंट करते हैं, स्किल को अपने डेवलप करते हैं, तो गवर्नमेंट के ऊपर जो फंड्स के बर्डन होते हैं वो थोड़ा सा कम हो जाएंगे। नाउ द लास्ट पॉइंट वॉज स्टार्टअप्स। स्टार्टअप खुद का अपना कुछ स्टार्ट करना, कुछ खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करना। प्रेजेंटली इंडियन मार्केट इज बेस्ट सुइटेड फॉर स्टार्टअप। आजकल इंडियन मार्केट बहुत ही सुइटेबल है स्टार्टअप्स के लिए। आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं एंड एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट हैज़ नथिंग मोर टू डू। और गवर्नमेंट को इसमें बिल्कुल भी इंटरवीन करना नहीं होता है अगर यूथ खुद में कैपेबल हैं अपने स्टार्टअप के लिए। एंड लाइक नाउ स्टार्टअप्स आर ऑलरेडी अ ट्रेंड। अब तो ये एक ट्रेंड हो गया है। मोस्ट ऑफ द यूथ अभी ड्यूरिंग पैंडमिक के दौरान, COVID-19 पैंडमिक के दौरान तो बहुत सारे लोगों ने स्टार्टअप कर भी दिया और अब यूथ में ये एक ट्रेंड हो गया है कि उन्हें स्टार्टअप के थ्रू ही आगे बढ़ना है। एंड यूथ आर ऑलरेडी मोटिवेटेड फॉर डूइंग स्टार्टअप्स एंड वंस द स्किल डेवलपमेंट पार्ट इज टेकन केयर ऑफ स्टार्टअप्स आर नेचुरली गोइंग टू इंक्रीज। अगर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को हम एक बार प्रमोट करते हैं तो स्टार्टअप ऑटोमेटिकली प्रमोट हो सकता है। तो ये थे पॉइंट्स मेरे जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए। यूथ एम्पावरमेंट के लिए, यूथ को हमें एम्पावर करने के लिए तीन चीज़ों में से स्किल डेवलपमेंट, क्रिएटिंग मोर गवर्नमेंट जॉब और स्टार्टअप्स में से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सुइटेबल है, किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए यूथ को भी और गवर्नमेंट को भी। तो आप इन पॉइंट्स के रिलेटेड में कुछ जो इम्पॉर्टेंट डायलॉग्स होते हैं लाइक नथिंग इज़ गुड और बैड, आर परसेप्शन मेक्स इट सो, एज वी ऑल नो एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, इन डायलॉग्स के हेल्प से आप अपने ग्रुप डिस्कशन में आगे बढ़ सकते हैं और GT को बहुत ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं, वो भी पूरे कॉन्फिडेंट के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ आएंगे, आपको फिर हम एक नया टॉपिक लेके आपके पास आएंगे। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, थैंक यू।
walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. To protect your soul.